अगर आपका नोटबुक में स्मॉल लेटर वाई कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको वर्कबुक में उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, लेसन नंबर 2626, LETER लेटर वाई, ट्रेस एंड राइट लेटर वाई। ये रहा आपका कैपिटल लेटर वाई एंड दिस स्मॉल लेटर वाई, जो कि हमने अभी नोटबुक में पढ़ा था। ओके, तो बच्चों वाई फॉर क्या क्या आ सकता है? वाई फॉर यो यो, ओके, एक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट है वो। देन वाई फॉर याम, याम याने बच्चों इसे मराठी में रताड़ू कहते हैं, ओके, एज लाइक स्वीट पोटैटो। देन वाई फॉर यॉन, यॉन याने आड़स, ओके, जब आप बहुत सारा काम करते हो या फिर आपकी नींद नहीं होती है तो उस वक्त आपको यौन आती है यानी आलस आती है। देन यंग, वाई फॉर यंग, वाई ओ यू एन जी यंग, यंग यानी तरुण, प्राउड, ओके, एंड ओल्ड मतलब बुढ़ा। देन वाई फॉर ईयर, ईयर इसके पहले का कौन सा ईयर था बच्चों? 2019, ओके, अब कौन सा ईयर शुरू है? 2020, विच ईयर? 2020, ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, अब 2020 नहीं, अब ईयर है 2021, ओके, विच ईयर? 2021, इसके पहले 2020 था एंड उससे भी पहले 2019, आया बच्चों समझ में? Y for year, year यानी वर्ष, यहां पर स्मॉल लेटर Y है तो आपको सबसे पहले स्मॉल लेटर U निकालना है, ओके, इस तरह, एंड देन डाउनवर्ड कर्व, ओके, स्मॉल लेटर Y, अगेन आपको स्मॉल लेटर Y ट्रेस करना है इस तरह Y, Y for yellow, Y for yawn, Y for young, young याने proud, okay? Again, अब बिना dot के, बिना tracing के आपको लिखना है बच्चों, U निकलना है सबसे पहले and then standing line, थोड़ी सी curve, हो गया small letter Y, small letter Y. स्मॉल लेटर वाई, वाई, वाई फॉर यंग, वाई फॉर यॉन, वाई फॉर ईयर, ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आपको आपका पूरा वर्क कंप्लीट करना है। आपको इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी, ओके, ये गलत है, ये भी गलत है, तो आपको इस तरह ही लेटर वाई लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? नाउ डू योर वर्क, थैंक यू।